थोड़ा 90s की तरफ चलें क्या? क्लासिकल 90s है ना, कहने के लिए मज़ा है, बहुत तड़पन है भाई उसमें। सिर्फ गाना ही सुनने में क्लासिकल मज़े आते हैं। बाकी अगर स्कूलिंग की बात करें, आज जैसे अपन जाते हैं, हमारा बेटा भी जाता है स्कूल में, तो मैडम लोग कैसे उनको पुचकारते हैं, है ये डार्लिंग, सोना, बेटू, ऐसा करके बुलाते हैं। बट हमारे टाइम में पहले टीचर का चेहरा मतलब देखते ही पसीने छूट जाएं उससे, ये रहता था भावना। और फिर टीचर के मारने के स्टाइल तो सभी जानते होंगे, किसी ने मार खाई है उस टाइम पे टीचर की, ये वाली मार, ये इसको कुल्लू बोलते हैं ना, कलम, बस पकड़ते जाओ एक्सीलेटर जैसे दबाते ना, गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, ऐसे उठाते जाओ, मस्त चलते थे बच्चे लोग। फिर क्या आया सेकंड वाला डायलॉग्स टीचरों के। एक हमारे यहाँ टीचर थे, वो टीचर टीचर तो हम लोग नहीं बोलते थे, सरस्वती में कुछ स्कूलिंग हुई तो आचार्य जी बोलते थे, आचार्य जी, मैडम जी। और तो आचार्य जी हमारे क्या बोलते थे, ए मारेंगे ना तो तुम्हारे चेहरे का हेलीकॉप्टर उड़ जाएगा। अब उस टाइम रीवा में ट्रेन भी नहीं चलती थी, सोचो, और उस टाइम वो हेलीकॉप्टर उड़ा लेते थे। हम लोग भी चलो बढ़िया हैं। एक टीचर थे वो हमेशा ए मियाँ जी ऐसा बोलते थे, हम लोग उनको क्या बोलते थे बताए, काक भगोड़ा। काक भगोड़ा का मतलब जानता है कोई? मैं इंग्लिश में स्कैरी क्रो बोल देते हैं, जो खड़ा रहता है खेतों में ऐसे करके, वही वाला काक भगोड़ा। एक एक से कॉमेडी है यार 90s में, सिर्फ गाने ही बस अच्छे लगते थे 90s के। स्कूलिंग बहुत बेकार थी, बहुत मतलब बहुत सुटाई वाली। और घरेलू माहौल 90s का, पहले तो रिमोट वाली टीवियां होती नहीं थी, एक ब्लैक एंड वाइट टीवी जिसमें कि देखने की परमिशन मैक्स टू मैक्स चित्रहार की रहती थी, चित्रहार देखने के लिए मिल जाता था। चित्रहार में भी चित्रहार चलाने के लिए आज के जैसे जनरली क्या पेरेंट्स के एक बच्चा होता है, पहले कम से कम 3-4 बच्चे होते थे, बहुत मेहनती होते थे पहले के लोग, 3-4 बच्चे हर घर में होते थे, उसमें से भी एक एक्सपर्टीज बच्चा जो छत में जाके एंटीना ठीक करता था उसी को बुलाया जाता था, जाओ छत जाओ एंटीना ठीक करो, पापा बोल रहे हैं जाओ, मम्मी बोल रही जाओ छत में। अब 90% वो बेचारा चित्रहार में वो एंटीना पकड़े खड़ा रहता था। हाँ, और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक घर में, आजू बाजू के सारे घर वाले, और यही आवाज़ आती थी, आया कि नहीं, आया कि नहीं, आया कि नहीं, ऐसे गूंजती रहती थी आवाज़ मोहल्ले में सारे, आया कि नहीं। कोई बोलता अरे चुप रहे मैं पूछ लूँ पहले, अरे हम पूछ ले भाई आया कि नहीं, हमारा वाला पहले हो जाते फिर तुम बोल रहे हैं कि आया कि नहीं। आ गया तो चित्रहार देखने बैठे हैं, चित्रहार देखने तो बैठ गए, पापा जी भी बैठे हैं, माता जी भी बैठी हैं, सब बैठे हैं, बहन भी भाई भी सब बैठे हैं। और उस ज़माने पे ये एक्सपेक्टेशन नहीं रहती थी जैसे आज के ज़माने में, गाने का क्या है कुछ भी सीन वीन चालू हो जाते हैं गानों में पिक्चरों में तो लोग बिल्कुल नॉर्मल फील करते हैं। पहले तो गोविंदा ने इतना डराया ना हम लोगों को कि बता नहीं सकते। गाना चल रहा है अब इतने में चित्रहार में सर कायलो खटिया आ गया। अब सर कायलो खटिया आ गया, अब हम ऐसा लगे कि बस यहीं धरती फट जाए और समा जाए धरती में। अब इधर उधर नज़रें चुराएं, पिताजी हमारी तरफ देखें, बाकी सब भाई बहन भी इधर उधर देख रहे हैं, जो छोटे थे सरकारी लोग खटिया के नहीं जाते थे मीनिंग थे, वो तो दांत निकाले देख रहे हैं, वाह वाह बढ़िया चल रहा है भाई, बहुत ही सुंदर चल रहा है, खटिया भी सरक रही है। हम लोग भी थोड़ा 7-8 में समझने लगे थे खटिया का मतलब है सरकाने का, तब शर्म आ रही थी बितरे में इधर उधर खिसके। गोविंदा भाई ने ना हमारी बहुत काटी है, हम छुप नहीं पाते थे गोविंदा गाने में। अब मिथुन का गाना आता था तो फिर भी सुन लेते थे। अब सीरियल रिलीज आए, अब चले भैया स्कूल से हम आगे की बड़ा तरफ बढ़े पहुँचे, कोएड स्कूल में तो पढ़ने का मौका सिर्फ 8 तक ही मिला, पहुँच गए बॉयज स्कूल। अब बॉयज स्कूल में बॉयज का तमाशा तो सभी जानते हो, बॉयज स्कूल में कोई पढ़ा है भाई, कैसा आनंद रहता है ना, लाज शर्म की हया उतार के रख दो स्कूल के बाहर और स्कूल में एंट्री करो, टीचर भी वैसे ही जैसे लड़के, और टीचर भी आते थे तो सीधे क्या बे, हमारे यहाँ बोलते हैं सब जगह नहीं है, हमारे यहाँ क्या बे आज क्या खा के आए हो। अब लड़कियाँ होती तो कोई ऐसा पूछता है क्या, क्या बे क्या खा के आए हो, ऐसा कोई नहीं पूछता, लड़कियों से पूछेंगे हे
हाँ आज तो लंच सबने ब्रेकफास्ट कर लिया होगा, लंच में अच्छा लेके आए होंगे। आज चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, अटेंडेंस लेते हैं। वहाँ अटेंडेंस लेने से पहले एकाध गाली में वो जो लोकल वाली गालियाँ जो होती हैं ना, वो तो चल जाती थी, नॉर्मली रहता था। यही सब 90s के ज़माने के बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, इन लोगों को थैंक्स यार जो पास करके निकल आए स्कूलिंग। आजकल के बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं है। चलो थैंक यू।